Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए, भाजपा ने प्रयास तो बहुत किए कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के मॉडल को क्रश किया जाए, किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को दूर रखा जाए, जेल में भी उनको मिलने की अनुमति तक नहीं दी, सोचिए आप। पर अब कोई भी दिल्ली की प्रोग्रेस को नहीं रोक पाएगा। अब कोई भी दिल्ली, जो दिल्ली के बच्चों ने 17 महीने खोए जब मनीष सिसोदिया जी अंदर थे, जो दिल्ली की जनता ने 6 महीने से ऊपर गवाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में झूठे आरोपों में डाल दिया, अब प्रोग्रेस में कोई रुकावट नहीं आएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी मजबूती थी और इसी पे चोट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें सीधे तौर पर नाम लिया, हमें एक तरह से बेईमान करार देना शुरू किया, हमें मुकदमों में फंसाया गया। देखिए, बार बार भाजपा ने प्रयास किया कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर वो अपना कीचड़ थोप पाए। अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार इंसान है। अगर इस देश में, अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार नहीं है तो इस देश में कोई भी ईमानदार नहीं है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी और ईडी कोर्ट ने भी कितनी सख्त टिप्पणियां की सीबीआई और ईडी के खिलाफ बेल देते हुए अरविंद केजरीवाल जी को। ऐसे में कोई भी और मुख्यमंत्री होता, वो बड़ी आराम से अपनी कुर्सी पे बना रहता कि सुप्रीम कोर्ट से वो ऐसी टिप्पणियां लेकर उनको बेल मिली है। पर अरविंद केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति नहीं है, उन्होंने अपनी जीवन में सिर्फ नाम कमाया है, इज्जत कमाई है और इसी नाम और इज्जत पर भाजपा ने लगातार प्रहार किया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी अब अपनी जनता की अदालत के बीच में जाएंगे और उन्हीं से अब ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। सवाल खड़े किया आरएसएस और बीजेपी के संबंध को लेकर, उन्होंने 5 सवाल किए आरएसएस प्रमुख से, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब भाजपा के झूठे षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली तो उसमें कोर्ट ने भी सीबीआई और ईडी के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणियां की, दिखाया कि वो बायस्ड होकर काम कर रही थी। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजेपी से, आरएसएस से ये सवाल पूछे जाएं कि जो पिछले 10 साल में लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकारें गिराने का काम किया है भाजपा ने, क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? बहुत जरूरी हो जाता है कि पूछा जाए कि जो बार बार मोदी जी और अमित शाह जी जिन नेताओं को करप्ट बोलते रहे, चुनाव आते ही उन करप्ट लोगों को अपनी बीजेपी में शामिल कर लिया, तो क्या ये सही मानते हैं मोहन भागवत जी? बहुत जरूरी है ये पूछा जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस मां समान है भाजपा की। तो क्या मोहन भागवत जी ने कभी भी रोका मोदी जी को कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं? अपने आप को राष्ट्रवादी बोलती है आरएसएस, अगर राष्ट्रवादी है तो ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग या फिर करप्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, क्या ये राष्ट्रवाद है? बहुत जरूरी है ये पूछा जाए कि जब जेपी नड्डा जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो क्या आज बेटा अपनी मां से बड़ा हो गया? जिस मां ने पाला पोसा, पीएम मोदी को पीएम मोदी बनाया, तो क्या आज वो बेटा आरएसएस को आंखें दिखा सकता है? मोहन भागवत जी इसका आंसर दे। बहुत जरूरी है ये पूछा जाए कि जैसे भाजपा में 75 के होते ही अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को और ऐसे बहुत सारे नेता हैं कि 75 के साल के होते ही उनको रिटायर कर दिया गया, तो अब मोदी जी को भी रिटायर किया जाएगा? अमित शाह जी इस बात का खंडन क्यों कर रहे हैं? क्या अलग रूल अप्लाई होता है अडवाणी जी के लिए और अलग रूल अप्लाई होगा मोदी जी के लिए? तो मोहन भागवत जी को डेफिनेटली ये आंसर करना चाहिए। उनका बयान है, उन्होंने कहा कि टीवी प्रोग्राम है, उन्होंने यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल का कुछ दिन के बाद अस्थायी पता तिहाड़ जेल हो जाएगा। देवेंद्र यादव जो उनके प्रेसिडेंट है डीपीसीसी के, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि एक तरह से अब साबित हो चुका है कि लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर सके, इतने दिन जेल में रहे और उन्हें अब लोगों की चिंता करनी चाहिए, अपनी चिंता नहीं करनी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा से सिर्फ लोगों की चिंता रही है, अपने से बहुत ज्यादा लोगों की चिंता रही है। आप देखें कि उनकी ईमानदार नीतियों का नतीजा है कि आज 3400 करोड़ अगर बिजली, फ्री बिजली देने में लगता है तो एक ईमानदार नेता ही लगाता है। करप्ट नेता
तो अपनी जेब में ये पैसा डाल लेते। भाजपा के पास 22 स्टेट्स हैं, कहीं भी वो फ्री बिजली नहीं दे रहे क्योंकि वो सारा पैसा अपनी जेबों में डाल रहे हैं। एक ईमानदार नेता ही प्रति व्यक्ति आय अपने स्टेट की हाईएस्ट करता है, जो हमारी दिल्ली में है। एक ईमानदार नेता के नेतृत्व में ही दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। एक ईमानदार नेता के नेतृत्व में ही दिल्ली में महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त मिलती है, क्योंकि ये पैसा वो अपनी जेब में नहीं डालते। देवेंद्र यादव ने कहा कि कोर्ट ने इन्हें बड़ा नेता बता रहे, लेकिन वो तो कोर्ट के फैसले के बाद मजबूरी में उन्होंने इस्तीफा दिया। आज तक हमारे देश में ऐसा नेता नहीं हुआ जिसको कोर्ट ने कहा हो कि ईडी और सीबीआई ने द्वेष की भावना से काम किया, इतने संगीन पीएमएलए के प्रोविजन में बेल मिली, उसके बाद बेल मिलने के बाद वो रिजाइन कर दें। आप देखिए, भाजपा के नेता हों या किसी भी और पार्टी के नेता हों, वो कुर्सी से चिपके रहेंगे, कोई अपनी सीट नहीं त्यागता। ये एक नया बेंचमार्क सेट हुआ है इंडियन राजनीति में, जो अरविंद केजरीवाल जी ने सेट किया है ईमानदारी का। आई होप बाकी पार्टी